अगर आपको टीबी की चिंता है तो आप अकेले नहीं हैं। चलो मिलकर टीबी को हरा दें टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के साथ। जो लोग टीबी के संपर्क में आए हैं लेकिन अभी कोई लक्षण नहीं दिखा रहे हैं, उनके लिए टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट टीपीटी एक जीवन रेखा है। इसका लक्ष्य टीबी के संक्रमण को एक्टिव टीबी बनने से रोकना। सबसे पहले आइसोनियाजिड प्रिवेंटिव थेरेपी या आईपीटी है। ये रोजाना ली जाने वाली दवा 6 से 9 महीने तक ली जाती है, खासकर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और कमजोर इम्यून सिस्टम वालों के लिए। जो बिना लक्षण के जोखिम में हैं, ये दवा किसी हीरो से कम नहीं। इसके बाद 3HP रेजिमेन है, जिसमें रिफैम्पेंटिन और आइसोनियाजिड का मिश्रण होता है। ये 3 महीने का कोर्स है, जो हफ्ते में सिर्फ एक बार लिया जाता है। लंबे समय तक दवा लेने में परेशानी होने वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल सही है। खासकर HIV से ग्रस्त लोगों के लिए तो TPT बहुत जरूरी है। उनमें TB का खतरा ज्यादा होता है तो IPT या 3HP जान बचा सकते हैं। और स्क्रीनिंग मत भूलना, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या IZRA जैसे टेस्ट TB को शुरुआत में ही पकड़ने में मदद करते हैं। अगर पॉजिटिव निकलता है तो TPT TB को बढ़ने से रोक सकता है। तो अगर आपको या किसी जानने वाले को TB का खतरा है तो आज ही डॉक्टर से सलाह लें। TB को शुरू होने से पहले ही रोकने के लिए TPT बहुत जरूरी है।